सलाम। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको शर्ट की कटिंग बताई थी, जिसमें मैंने निशान लगाकर आपको सब कुछ बता दिया था कि इसको इस तरह से हमने निशान लगाने हैं, पेमाइश करना, उसको कैसे बढ़ाना। लेकिन आज मैं आपको उन्हीं निशानों पे कटिंग करना सिखाऊंगी कि किस तरह हम उसको कटिंग करते हैं, किस तरह से हम इसको लेके जाते हैं टर्न राउंड, और किस तरह से हम मूवमेंट करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप इसको भी अपनी कॉपी पे राइट कर लेंगे, और कॉपी पे राइट करने के बाद आपने प्रैक्टिस इसकी ज़रूर करनी है। बाजू की भी कटिंग साथ में होगी, और इंशाल्लाह ताला ऐसे ही हम आहिस्ता आहिस्ता। ये तीरा जैसे कि मैंने आपको बताया था, और ये सर्कल से मैंने निशान लगाना बताया था, चेस्ट, कमर और हिप्स। ये मैंने दो निशान आपको जिस तरह बताए थे, ये देखिए आपको वाजिया से नज़र आ रहे होंगे, ये वाले इस तरह से। ये आपने बिल्कुल नहीं भूलने, 1, 2, 3 निशान आपने बिल्कुल नहीं भूलने, और सर्कल को अच्छे से आपने अंडरस्टैंड कर लेना है। यहाँ से अमूमन लड़कियाँ यहाँ से भूल जाती हैं कि इसको हमने कैसे काटना है। मुझसे कई लड़कियों ने ये सवाल किया कि मैम हमें यहाँ से बताएं, ये हमें नहीं आता कि हम इसको किस तरह से टर्न करें। व्यूअर्स, आपने कटिंग देखी, मुझे उम्मीद है आपको शर्ट की कटिंग बहुत पसंद आई होगी और आपको समझ भी आई होगी। इस रूसी में मेरा बताने का पर्पस ही ये है कि आपको अच्छे से समझ आ जाए और आसानी से समझ आ जाए बाजू की कटिंग, शर्ट की कटिंग। और आपने ये नहीं देखना है कि ये शर्ट हमने 20 इंच मतलब दामन, मैंने ए लाइन आपको बताया, इसमें कोई हर्ज नहीं है। ये आप इस तरह भी कर सकते हो। लेकिन नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इंशाल्लाह ताला ट्राउज़र की कटिंग भी बताऊंगी और समझाऊंगी भी ट्राउज़र किस तरह काटा जाता है, किस तरह उसके निशान लगाए जाते हैं। ईजी टू सी में ईजी काम करना आपको भी अच्छा लगेगा और मुझे भी समझाना अच्छा लगेगा। आप वीडियो ज़रूर देखिएगा तो आपका सूट पूरा कंप्लीट होगा। मुझे डेरा दुआओं में याद रखिएगा। दुआओं से एक अच्छी बात, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तकदीर दुआ को लौटा देती है, नेकी उम्र में इजाफा करती है, और आदमी गुनाह की वजह से रिस्क से महरूम हो जाता है। बहुत सारी दुआएँ। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।